अरे हर ज्ञान के से दावत भी आ रही है और खेत का भी काम है, मुझे तो सांझ खेत में ही हो जाएगी। चलो ऐसा करता हूँ, आर्यन को भेजता हूँ दावत में। ये ठीक है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते, कैसे तुम, ड्यूटी जा रहे हो भाई? हाँ पिताजी, बट टाइम हो गया, जा नहीं लग रहे। तो मैं समझ रहा था थारी छुट्टी आज। ना, आज किस चीज की छुट्टी है? अच्छा छुट्टी ना, तो और चाय नाश्ता कर लिया तुमने? हाँ पिताजी सब कर लिया, बस लेट हो रहे हैं, जान लग रहे हैं। ठीक है तो जाओ और ध्यान से जाइयो। ठीक है पिताजी। वैसे पिताजी कुछ काम वाम तो ना था? हाँ अरे हर ज्ञान के साथ दावत आ रही थी, वहाँ कन्यादान पूछाना। हाँ कह वो मुझसे भी रात। हाँ लेकिन पिताजी हम तो आने में लेट हो जाएंगे, देख लो तुम अपना आप ही हो यही हो। अरे राज तू चला जा, तो मुझे ऑफिस में आज ज्यादा काम है। पिताजी अगर हम ऑफिस में जल्दी आ गए तो हम चले जाएंगे, अगर लेट हो गए तो तुम हो यही हो। वैसे पिताजी मुश्किल ही है, आवे ना हम, हमारी बाट ना देखियो, अगर हम लेट हो गए तो चले जाइए तुम। चलो ठीक है। ठीक है पिताजी हम चले, हम लेट हो रहे। जाओ तो जाओ बेटा। ठीक है पिताजी, राम राम। राम राम। और कैसे, ध्यान से जाओ। ठीक है। चलो ठीक है, मैं ही करूँगा एडजस्ट। अरे लाली पूजा, बेटा बाहर को आइए। हाँ जी बताओ क्या काम है? ए लाली, सांझ को मुझे एक दावत में जाना है, मेरे कपड़ों पर प्रेस कर दिए। अच्छा तुम्हें दावत में जाना, तुमने मुझे नौकरानी मान रखी के, मैं ना करने की प्रेस वरेस करवा लियो उस पे। ए लाली तू तो यू कैसी बात कर रही है, तू घर में छोटी बहू है, भला प्रेस करने कपड़े धोने ये भी कुछ काम है? तुम्हें मैंने कितनी बार कह दी ये काम ना होते मेरे पे, वो महारानी जो बैठी ना अंदर उसे बुला लो, वो कर देगी काम, पूरा दिन पड़ी पड़ी पलंग तोड़ती रहे। ए लाली तुमने क्यों हद कर दी, घर का थारे पे नहीं होता, लत्ते धोना प्रेस करना यू कुछ काम है भला, घेर का थारे पे नहीं होता, ढोल डंगरों का तुम नहीं करो, और करोगी के तुम? हाँ क्या कह रही है मेरे बारे में, पलंग तोड़ूंगा पूरा दिन पड़ी पड़ी, और कोई काम ना मुझे? ना और कोई काम करती ना, मैंने तो देखी ना तुझे आज लो काम करते, बता तन्ने के करा आज लो। हाँ तो तू तो बड़े पहाड़ के पत्थर तोड़ा है। ओ महारानी की जुबान चल रही, मेरे सामने ना बोल जाइए। हाँ जैसे तेरी जुबान तो भट में घुस रही है ना। ए अपनी जुबान को ना नीचे रख, वरना ऐसे थप्पड़ मारूंगी ना खानदान तक आवाज जाएगी तेरे। ए बात सुन मेरी, अगर तूने मेरे परिवार को कुछ कहा ना तो टांग पटांग धर के फाड़ दूंगी, समझ गई? ओ मान जाओ, ए शर्मा जाओ कुछ, क्यों तुमने हद कर दी? तू छोटी है लाली, कुछ होश कर, बड़ी की से कुछ शर्म लिया जाए कि नहीं है? ओए बुड्ढे, ये क्या तेरी लुगाई लग रही है, तो इसकी तरफदारी कर रहा है, मैं भी तो तेरी बहू हूँ, मेरी क्यों नहीं करता? ओए तेरा लग रहा होगा लोग, मैं तो ब्याह कह रही, तेरी तरह भाग के नहीं आ रही, समझ गई? ए लाली तू ही थोड़ी बहुत शर्म कर ले, तू भी इसकी ढाली होगी। और रख लो ना तो भगोड़े को इस घर में। ए ज्यादा बकवास मत कर भिकारन, कहीं की प्यार करके शादी की है मैंने, और हाँ तू तो झुंझुना लेकर आ गई हाथों में, इतना माल लाई हूँ अपने बाप के घर से, पढ़ी लिखी हूँ तेरी तरह गवार नहीं, आई बड़ी गवार कहीं की। क्या कह रहे, झुंझुना लेके आई थी है? तू गई थी मेरे ब्याह में देखकर, तेरी तरह ऐसे नहीं आगी मुँह उठा के, अच्छे खासी मेरे घर वालों ने ब्याह के भेजी थी इस घर में, मुँह ही नहीं आगे बैठ गई, समझ में आ गई तुझे? आई और भेज के मैंने ले गई अपने घर से, मैं भूखे नंगे घर से आई हूँ, जो बकवास करी जा रही थी देर से, सुनो जा रही तेरी में ज्यादा सर पे चौधर लेके बैठी है तू ही। ओहो हमें भी दिखा दे क्या लाई है तू दहेज में, तेरा पति तो मेरे पति से ना 10-10 रुपए मांगे भीख में, और हमारी बाइक पे जावे यूं बैठ के छन छन करता हुआ, आई बड़ी बोलने वाली, चल निकल यहाँ से, चाटा मारनी खेच के। तू मारेगी और मैं पिट लूंगी, ऐसे समझ रखी क्या मुझे? समझा लो पिताजी से, वरना इसके मुंह पे इतने थप्पड़ मारूंगी, मारते मारते मुंह सुझा दूंगी इसका, फिर मत कहना। चुप हो जाओ तुम दोनों, क्यों तुमने हद कर रखी बिल्कुल, ये पड़ोसी भी के कहते होंगे, ये कंजर कहाँ से आ बसे, जाओ चली जाओ, मैं तो अपने आप कर लूं अपने लत्तों पर प्रेस, जाओ इनसे। जा रहे हैं। रे भगवान मारे बालकों के पल्ले एक ऐसी खानदानी पड़गी, बिल्कुल हद कर रखी है, देखेंगे जाने का टाइम मिलेगा चले जाएंगे, ना हम तो अपना घर में कुछ चलाए कुछ काम देखेंगे। अरे लीलू है के भाई? हाँ भाई आजा फौजी बैठ, आ लिया मैं। अच्छा भाई आजा, आ लिया मैं। और सुना भाई प्रदीप कैसे आना हो यार? ठीक ठाक भाई।
दावत तो आ रही है पर मेरे पे जाया नहीं जा भाई। क्यों भाई? अरे भाई अब क्या बताऊं यार तुझे, वे बालक तो दोनों चले जाए ड्यूटी पे। अच्छा। और भाई घर में इन बहुओं ने खड़द उतार रखे हैं, सारा काम मुझे यहाँ करना। और वह लत्ते चाड़ धुए हुए परेश के मिलते नहीं। हाँ। परेश के लत्तान को कह दी थी उस पे जो है महाभारत ही तो तार दिया घर में। अच्छा रे। हाँ बा बुझे मत ना, जी गड़े को बात आ रही कतई। बालकों को कहूं वे नहीं मानते, वे भी इनके कहे में चल रहे हैं। भाई इनका तो इलाज है ना, तो बहु को अलग अलग कर दी। कह तो तू ठीक रहा पर मिजान सिर हुआ जा नारा भी, ऐसा नारा करे जाके भला। सही कह रहा भाई। नहीं बा मुझे ऐसा लगे अब टाइम खराब आ ही लिया इस घर का। जब किसान आदमी का गुजारा बढ़िया होने लगे ना और जुग भिड़का हुआ काम करने का, जब ही न्यारे होने की ठाणे हैं ये, और बिना ब्योत न्यारे करने पड़ेंगे। आ जान दे आज इन्हें, कुछ ना कुछ तो राह बठाना पड़ेगा ही। हाँ भाई सही कह रहा भाई। लीजिए भाई तुमने तो न्यारे ना करे ना, दोनों बहू घर का नाश कर देंगे तेरे का। कहे तो तू सही रहा भाई, आन दे आज उन्हें, बात करेंगे भाई उनसे। ठीक है भाई, मैं तो चलो गुरु, जो दावत में चलो तो बता दी मुझे। ठीक है भाई बता दी। बता भाई, अब तो सारे गांव को पता चल गया हमारे घर का, बिल्कुल बिंडी पाड़ के छोड़ दी इन्होंने तो। आ जान दे आज इन्हें, ये लड़के आ जावे आज इनका ही रहा बैठाना पहले, और काम बाद में ही होगा। जा जूलिए भी हमें तो हम। राम राम पिताजी। राम राम। आ गए तुम? हाँ पिताजी आ तो गए। तुम दावत में ना गए? दावत में जाने के ढंग है यहाँ इस घर में? की बात होगी पिताजी? बात रे बात उनते ही बोझ लो, अपनी बहू होते इब क्या कर दिया औरों ने? रे थरे निकलते खड़द उतार दिया घर में, महाभारत कर रही तड़के थे। अच्छा रे पिताजी ऐसा के हो गया? बात तो बताओ कुछ, हमें भी तो पता चले के होगा। रे के कह रहा के हो गया? रे न्यूबूज के ना हुआ इस घर में, मैंने कुछ जुलम ना कर दिया था, एक जोड़ी लत्ते उन पर परेश करने को कही थी, उन पर परेश ना हुई, अरे यहाँ खड़दू और तार रही है, न्यू कह रही मारे पे ना हो थारे लत्ते इनकी परेश। पिताजी तो फिर क्या करें हम अब? रे मैं तो अपनी इज्जत बचा के घर में कुछ चला गया ना, उन्होंने तो इतने जुलम करे सारा मोहल्ला तमाशा देख रहा था यहाँ। अच्छा पिताजी आखिरी तार दी बिल्कुल इन्होंने इस घर में। वह भैया मैं तो अब नहीं चाह रहा हूं, तुम दोनों अपना न्यारे हो जाओ, मैं रोज रोज का कलेश नहीं चाहता इस घर में, मैं तो कर लूंगा गुजारा जैसा हमारे पे होगा। पिताजी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब मैं छोड़ के हम दोनों में अलग अलग ना होने के, हम समझावेंगे उन्हें। पिताजी हम दोनों अलग अलग ना हुए तब मैं छोड़ के? रे रहन दो मरे सुसरे हो, तुम समझा दोगे उन्हें? रे उल्टी तुम्हें समझा देंगे वे, तेरे सुसरे बहुओं के गुलाम बढ़िया बन रहे मेरे आगे जाते, मैं जानता ना हूं तुम्हें। रुको पिताजी। पूजा दीपा, पूजा बाहर कुआ। दीपा तू भी बाहर आ। मैं नहाने की कोई सी भी जाना है वे इतनी पड़ी होंगी अपने अपने कमरों में, बुला लो आती हूं तो थारे कहने थे। पूजा बाहर आ जा। दीपा बाहर आ। अरे ना आवे कोई सी भी। पिताजी तुम चिंता मत करो, हम समझाते हैं उन्हें अभी। हाँ समझा लो जाओ टलो यहां तक। आर्यन आ। ये समझाओगे ना, देखेंगे हम भी कैसे समझाओगे। क्या हुआ, क्यों मुंह चढ़ा के बैठी है? अब मैं आवाज मार रहा था, सुन ना रही थी? ना सुन तो रही थी पर मैं आई ना। क्यों ना आई, के बात होगी, क्यों परेशान है पिताजी? बस ऐसे ही। ऐसे? वो तो नू कह रहे थे कि तुम दोनों लड़ रही थी सुबह रही थे। अजी मैं ना लड़ रही थी, आपको
पता है वो मुझे कितना उल्टा सीधा कहती, ये कहती भाग के आई है, मुंह काला करके आई है, और उसने तो ये तक भी कहा तेरे मुंह पे इतना तेज रैपट मारूंगी कि मुंह सूज जाएगा। मुझे तो बहुत उल्टा सीधा कहती, ये कहती नीच खानदान की है, और आज तो उसने मुझे गाली भी दी। अजी मुझे न रहना इसके साथ, आप मुझे अलग लेके चलो कहीं। चल कोई बात ना, तू रो ना, वह तो ऐसी है, लेकिन तू तो सुन लेकर, पिताजी की भी सुन लेकर, उन्हें टाइम पर खाना दे देकर, उनका काम कर देकर, और तू ना पिताजी के कपड़ों पे प्रेस ना करी, वो कह रहे थे, अरे नू ना करे कर, कम से कम पिताजी के कपड़ों पे तो प्रेस कर देती, उन्हें शादी में जाना था। अजी मैंने इसलिए ना करी, वो मुझे गाली बक रही थी, उसने मुझे मना कर दिया था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गई, मैंने ना करी प्रेस। अजी मैं तो घर का सारा काम कर रही थी, वो भी तो कर सकती थी प्रेस, और हाँ अब मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे तो अलग लगे, चलो इस घर का बंटवारा करो, मैं ना रहूं इसकी गैल। चल तू शांत हो जा, बंटवारे बंटवारे की बात ना करा करते हैं, पापा अगर एक दो काम करे तो कर दिया कर, और वो तेरे से लड़े ना तो एक काम कर उसकी गैल बोल ले ही ना करे। ठीक है जी। ठीक है चल तू चुप हो जा, मैं पापा से जाकर बोल लूं, उन्हें खाना दे दिए। ठीक है दे दूंगी मैं। ठीक है बना दिया खाना? ना जी अभी तो बनाया ना खाना, बस अब आपने कह दी ना, अब जा रही हूँ खाना बनाने। चल ठीक है बना लिए खाना, पर कल तक तेरी कोई भी हरकत सुन ना लूं। ठीक है? ठीक है जी। चल रोवे ना, अब जा रहा हूँ मैं बाहर। दीपा तुझे आवाज़ सुनाई ना देती, जब मैं तुझे आवाज़ दे रहा हूँ क्यों ना सुनी तन्ने? अजी मैं क्यों जाऊँ बाहर, मुझे जब भी मैं बाहर निकलूँ उस बुंडी सी की शक्ल देखने को मिला है, और मैं फिर क्यों निकलूँ उसकी शक्ल देखने को? पता तुम्हें आज मुझे क्या क्या कह रही, भुक्के रंगे घर की फलानी ढिकानी ऐसी ऐसी बात बता रही मुझे, समझ गए जैसे वही बड़ी हो मैं तो छोटी हूँ जो उसकी इतनी बकवास सुनूँ। और तो और एक बात बताओ, वो तो खुद भुक्के रंगे घर से आई और मुझे बता रही भुक्के रंगे घर की। चल उसकी बात तू छोड़, पिताजी के लत्तों पे परेश क्यों नहीं करी तन्ने आज? अजी मैं तो कर देती, अगर वो अभी हमें भर देती क्या काम नहीं करती मैं अपने घर का? बात सुनो मेरी, तुम्हें ना उसकी बाइक पे बैठ के जाने की जरूरत नहीं है, पता है मुझे क्या कह रही, तेरे आदमी की जेब में एक दिल्ला तो रहता नहीं, बड़ा मंत्री वो तो आई भागना अटके, मैं तो भागना अटके नहीं आ रही, ब्याह के आ रही इस घर में, तो मुझे उसके साथ रहना नहीं। ठीक है मेरे घर तक फोन आवे रुके, वो कैसी रह रही भगोड़ो। अरे तू मेरी बात मान, उससे बात करने की कोई जरूरत ना तुझे, और हाँ बापू के कपड़ों पर प्रेस कर देकर उनकी बात मानने कर तू। मैं तो सारी बात मान लूं, अगर वो नहीं मानने की तो क्या मैंने सारे ठेका ले लिया थारे घर का? अरे वो ना माननी तो तू मान जा, तू बड़ी है। हाँ कुछ अच्छा करो बुरा करो वो तो बड़ी के सर में टोकरा रख दे, वो कहावत सुनी बड़ी जिठलनी ने घर ली घर वाई उतरी पारंपार, तुम तो नु कह दो फड़ देसी। कोई बात ना जो वो कर रही करण दे, पर तू आगे बापू का ध्यान रखे कर, उससे बात मत करे कर, उसके क्यों मुंह लगाया तू, तू अपने काम से काम रखे कर, और हाँ बापू अगर तुझे कोई भी काम कहे ना उनका काम कर दे कर, आगे शिकायत का मौका ना दे दिए। अच्छा तुम मुझे नू बताओ, जब मैं इस घर में नहीं आई थी तो मैं घर का सारा काम नहीं करा करती और बापू का भी ध्यान रखा करती, जब तक हमें कभी शिकायत का मौका ना मिला, आज मैं छोटे वाले की बहू आ गई तो तुम्हें शिकायत मिल रही है, वो भी सारी मेरी गलती। तू तो उस वाला काम कर रही खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदल रही। और हाँ रोटी बना ली? ना बनाई अभी बनाऊंगी। तो बना ले पापा भूखे बैठे हैं। वो बढ़ गई होगी जाकर किचन में, जब तक उसके आदमी की रोटी ना पुनेगी ना मैं ना जाऊंगी किचन में, समझ गए? चल ठीक है और कुछ काम कर ले, पर हाँ कल से शिकायत ना सुन लूं। हाँ बस बस चले जाओ, आंधी ताड़ने के अलावा और कोई काम तो है नहीं तुम्हें, कहीं सुनी आके मुझे बता लगा करो। समझा दी पिताजी, अब ना करने की है मैं आगे था ऐसा। अच्छा अब ना करने की ऐसा, चल देखेंगे इन्हें भी। अब तुम टेंशन ना लो, अब आगे से ना होया ऐसा। बहुत अच्छी तरीके से समझा दी, और रही न्यारे होने की बात, बिल्कुल नहीं होने के। न्यारा कतई ना हुआ हम। अरे मैं जानू अपने बछड़ुओं के दांत, ऐसे खानदान की ना है वे, अब जो थारी बात मान जाएंगी। पिताजी हम तो बढ़िया खानदान के हैं, मार पे करो विश्वास, बिल्कुल नहीं हो सकते। चलो भाई तेरे पे देख लेंगे विश्वास करके हम तो।
ठीक है पिताजी, तुम बैठो, मैं खाना वाना लगवाऊ थारे नाम का। खाना बन गया? हाँ पिताजी बन जाएगा, अभी दो मिनट में बना रही है, मेरे रसोई में ही है। चल भा बना लें, दावत तो अच्छी टी गई। कोई ना पिताजी, परसों को एक जगह तेरा अम्मी है। रे कहाँ? जागस में। अच्छा जागस में, वही जाके लड्डू खाइयो। चल ठीक है भाई, हम तो जागस में लड्डू खाऊंगे। खाना बन जाएगा अभी थोड़ी देर में, बैठो तुम, मैं ले आऊंगा थारे नाम का यहीं। ठीक है, तुम टेंशन ना लिए करो। अरे के करे लल्ला लेनी पड़े। चलो वैसे हमारे बालक तो कुछ समझदार हैं, समझ जा ना जाने ये बहू भी। ठीक है पिताजी, हम तो चले काम पे। अच्छा, और तुम टेंशन ना लियो, उन्हें बढ़िया जाल समझा दिया तुमने कल भी, कुछ ना कहने की इब्बे। हाँ वहाँ तिरामी में हो यो, फोन आ रहा था उनका। रे तिरामी में आज जाना कल को? पिताजी आज ना जाना, कल को जाना तिरामी में। अच्छा ठीक है, आज मैं लत्ते चाड़ धुआ लूँगा और तड़की बखत लिखट जाऊँ। हाँ चले ही जाइयो, और फोन आ रहा था उनका। ठीक है ठीक है, चलो हम तो चले काम पे फिर। ठीक है पिताजी, ध्यान रखियो अपना। जाओ तुम। अरे खाना खूना खा लियो टाइम पे। ठीक है भैया, खा लियो, मैं तो जो कोई सी टाइम पे देगी खा के। मैं तो घर में डटता ही ना हूँ, मैं तो अपना घर में जाऊँ हिला देखूँ कुछ। पिताजी इतनी बुरी ना है वे, अब से पहले तो तुम्हें दिया ही है, अब हमने समझा दिया, अब तो मैं किसी चीज की दिक्कत ना आवे। चल ठीक है बा, देख लेंगे। ठीक है, जब तक छोटे वाली आई ना, जब तक तो पता ना करेंगे तो धनुष बाण लेके चढ़िया वे। अरे पिताजी तुम टेंशन ना लो, मैंने उसे बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, वह कुछ ना कहने की है। टाइम पर रोटी खाइयो और कल सुबह को तिरामी में चले जाइयो, अब हम चले काम पे, घनी देर होगी आज। जाओ तुम जाओ। चलो भाई, और ध्यान से जाइयो बाल को। लाली, अरे बेटी पूजा, दीपा, लाली बाहर को आइयो। करती रहेगी। हाँ पिताजी। खाना बन गया बेटा? ना ना पिताजी, अभी ना बना खाना। अच्छा जी, मुझे खाना ना बना था रे, और वे ना खा के गए और लेके भी गए? ना पिताजी, वे ना लेके गए आज खाना, वे तो कैंटीन में ही खा लेंगे। ए लाली, तुम उन्हें खाना भी बना के ना देती, इस बात को तो मुझे आज ही पता चला। हाँ पिताजी, ऐसी बात ना है, हम तो बना के देवे, जब वे लेके ही ना जाते तो हम क्या करें, आप ही बताओ। और हाँ पिताजी, हमें आपसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ। कल क्या कह दिया था रूटी बताते तुमने उन्हें, जो हमें वो इतनी सुना रहे थे। लाली मैं क्या कहता, मैंने तो वही बात बताई जो हुई थी। के कहता पिताजी, आपने तो सारी बता दी, उन्होंने तो हमें थप्पड़ भी मारे दोनों के। अच्छा पिताजी, तुमने बढ़ा चढ़ा के बता दियो ये कद्दी बात, इसीलिए वे हमारे पे इतना भड़क रहे थे। ए लाली ऐसी तो कोई बात ना बताई मैंने, मैंने तो सारी हुई हुई बताई जो तुमने खड़दू करे थे यहाँ। अच्छा पिताजी, आप मेरी सुन लो, अगर आपने आज के बाद उन्हें कुछ बताया ना, तो हमारे से बुरा कोई ना होगा, और जो यही करना तो हमें अलग कर दो, वैसे भी हम एक साथ रह ना पाएंगे। ठीक कह रहे पिताजी, मैं तो इसकी बात से सहमत हूँ। अच्छा तो तुम न्यारा होना चाह रही हो। ए लाली, मैं तो पूछ के पाँव पालने में पिछाड़ दूँ, मैं तो उन्हें कल ही कह रहा था, अभी ना न्यारी करके बैठ जाओ तुम, हमारे बना साज्य में रह जाओ इनकी गैल। हाँ पिताजी, हमें तो दिख रहे थारे ढंग कि तुम ना करो हमें नारे पारे, तुम तो सोच रहे कि थारे दो टाइम की रोटी बना बना के देते रहे हम। ए लाली तुम क्यों हद कर रही हो, तुम तो उनके लिकड़ दो, मेरे तो लड़ने को बैठ गई, मैंने तो तुम न्यू बुलाई थी, अगर रोटी पूगी हो तो ले देंगे, खाएगा मैं भी, घेर का काम निमटाएगा, खेत का भी देखना मुझे जाएगा। ठीक है पिताजी, तो आप घेर में ही चले जाओ, हमने ना बनाई रोटी वोटी, और जब हम बनाएंगे ना, हम किसी बच्चे से क्या कहना हाक लगवा लेंगे तुम्हें घेर में, आ जाइए रोटी खान। हम तो घेर में कुछ चले जाओगे। हाँ तो चले जाओ बैठे ही क्यों। वाह भाई बाला जी, तुमने बिल्कुल हद कर दी, मैं तो नहीं समझ रहा था तुम सुधर की होगी, उनकी बात मान की होगी, पर तुम तो बिल्कुल चीखना घड़ा हो रही हो। बस पिताजी बस, अब ना रहे हम दोनों गेल, अब तो हमारा बंटवारा ही करवा दियो आज। ठीक है बेटा,
आज थारा बंटवारा ही करूँगा, आ जान देऊंगा। हाँ पिताजी ये ठीक कह रही, हमारा बंटवारा हो जाएगा, हम नारे नारे हो जाएंगे, ना या मेरे तले लड़ा ना मैं इससे लड़ू। ठीक है लल्ली, न्यारे हो जाओ, हरी गलती ना है, इस घर पे काला काग बैठ लिया है, जाओ तुम अब, चले हम तो। ए चल रही चल अंदर, चल के खाना बना लिया इनके लिए, वरना दोपहर को आके फिर हल्ला मचाऊंगे। तो तू ना बना सकती खाना, ये मेरे जुम्मे है। ओहो और कौन बनाएगा, तू ना बनाएगी खाना, चल चल के खाना बना। थोड़ी तमीज से बात करेगा, तेरे तो बड़ी हूँ, छोटी ना हूँ मैं। ओहो बड़ी है, चल के खाना बना ले, कल की मार भूल गई दिखे। अच्छा जैसे तू तो भूल गई दिखे, किस तरह भूख लगे थे। ओहो इनने मारते कद मार ले, सपनों में मारे होंगे। तन्ने मुझे सपनों में ही मारे होंगे। हाँ चल सपनों में तो पिटगी तू मेरते। अच्छा जा चली जा, जाए पर चली जा, मेरा मुंह ना लगा करे। ए चली तू जा, मैं क्यों जाऊँ, चल निकल यहाँ से, जाए काम कर ले, मैं तो बैठूंगी। तो मैं भी बैठूंगी, चल बैठ चले, चल निकल यहाँ से। ये ले बन रही है, मेरे सराहने चढ़ के बैठी हो, शर्म तो नहीं आती जरा सी भी। ओहो उम्र में तू भले ही मेरे से बड़ी हो, पर रुतबे में तेरे से इतनी बड़ी हूँ। क्या रुतबा रुतबा कर रही है, कहीं ना तू कलेक्टर की औलाद है। ए बकवास बनकर, कलेक्टर की ना सही, साहब की बेटी हूँ मैं। हाँ देख ले, साहब की होती तो तू भाग के ना बढ़ती हमारे घर में। ए भाग के मत कर, तुझे पता है प्यार करती थी मैं उनसे, इसलिए आई तेरी तरह ना बुढ़े के ब्याह दी। क्या करी मेरे पति को बुढ़े कहे तू, शर्म। सुनियो बेटा तड़की मुझे, तेरा अम्मी में जाना जागस, एक काम करिए तो मेरे लत्ते धो दिए। ते, तेरे ये गंदे कपड़े धोंगी मैं, घूमूत में सने हुए आया बड़ा, गोबर तो लगे पड़े इन कपड़ों में, जाके धो लिए खुद। ए लल्ली तन्ने यू के करा यू बेइज्जती करवाने को भी आया गया था मैं अपने बालकों का, तो मैं यही दिन देखने बाकी थे बस, और के दिखाओगे भगवान। मैं तो पहले कह रही थी पिताजी ये हमारे घर के कामकाज के लायक नहीं, बस तुम ही कह रहे थे सोने चुतरी लौंडी आया आगे, तो क्या हो गया, इज्जत तो हमारे घर की है, देख लो कैसी इज्जत कर रही है तुम्हारी। ये बेटी तू तो अच्छे खानदान की है, तू तो इज्जत करनी जाने लगती है, धो दिए। मेरे बस की तो है ना धोने, धुलवा लो इससे ही। ओहो तू तो अच्छे खानदान की आई थी तो धो देती, अब तन्ने काहे को मना कर दिया, दिखा दिया अपनी औकात, तेरी भी औकात यही है। देख तो कितनी बोल रही है, बता रही है। सुनीता तू तो राम के जा बैठी है, मुझे छोड़ के या पूरे दिन दिखाने को, ये भगवान इससे तो मुझे भी ठा ले। आ जान दे आज उन हराम खोरों को, आज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, आज तो न्यारा होए के रहेंगे भाई। राज भाई हाँ। यार आज ना कराओ इन्होंने कोई भी ड्रामा, पिताजी देख लो क्या कह रहे थे, न्यारे होने ही कह रहे थे भाई, समझा के तो आए थे, आज मुझे लगा आज ना कराऊंगा उन्होंने बिल्कुल भी। चल अगर ना कराओ तो बहुत बढ़िया है, अब कर दिया हो तो बहुत दिक्कत बन जाएगी। अगर कर दिया होगा ना हूँ सी पीट दूँ आज उसकी मैं तो। कोई बात ना, घर चल के देखेंगे आराम से, चलो। पिताजी राम राम, क्या हो गया पिताजी? पिताजी क्या हुआ बताओ तो कुछ हमें। पिताजी बोलते क्यों ना हो, फिर आज तो जो ना होना था वो सब हो गया बेटू। क्या हुआ हमें तो बताओ कुछ। राज भाई ये तो नू लगे फिर क्या, उन्होंने कुछ कह दिया दिखे पिताजी को। तुमने रोटी उट्टी खाई ना खाई? रोटी किन्ना दी मुझे, मैंने अपने लत्ते धोने कही थी, मेरे मुंह पे मार दे फेंक के, घमना धोने तेरे लत्ते। अच्छा गोबर में सने हुए बताए मेरे लत्ते। पिताजी दोनों नहीं करा काम? अरे तू दोनों की बात कर रहा, सबसे पहले तो तेरे वाले ने फेंके, मेरे मुंह पे मारे थे के। अच्छा पिताजी और उसने क्या करा? उस
की भी मत ना पूछा, उनने मेरे हाथ में से छीन कर धरती में फेंक के मारे अख में ना धोने थरे कु गोबर के लते और न्यू और करी अख में तो न्यारे कर दे। अब तुम न्यारे हो जाओ दोनों, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो जैसे मैं रहूँ रह लू हूँ बस। अच्छा पिताजी, न्यारे होने तक की बात आ गई। राज भाई आज करते हैं न्यारा। सही कह रहा भाई तू, बुलाई ना आज। दीपा पूजा सुनो ना, पूजा। जी हाँ जी। मंजी क्या हुआ? क्या कह रही तू पिताजी से, न्यारे होना है? हाँ जी, मुझे ना रहना इस गंदगी में। अगर मुझे पहले पता होती ना तुम मुझे इस गंदगी में रखोगे, मैं नाती भी आके, क्योंकि मैं साहब की बेटी ना इसलिए। तू भी कह रही न्यारा होने को? हाँ जी कह रही, जब तक यह इस घर में रहेगी मैं नहीं रहने की। आर्यन चल आज इन दोनों को न्यारा कर दे। ठीक है भाई। आज तुझे न्यारा ही कर दूंगा। होएगी न्यारा, होएगी ना जी। हमें नहीं होना, मैं आपके पैर पकड़ लूं जी, मुझे माफ कर दो। क्यों, तू तो सांप की बेटी है ना, आज कर दूं तुझे न्यारा? ले करूं न्यारा हैं? ना जी मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर पकड़ रही हूँ, मुझे नहीं होना न्यारा। ना माफी मूफी नहीं, आज कर देते तुम्हें न्यारा। हो न्यारा, चल ना जी। पिताजी हम आपके हाथ जोड़े हैं, पिताजी माफ कर दो हमें। बेटा छोड़ दो इन्हें, हो सके समझ जाओ। चल खड़े हो जाओ बेटा, खड़े हो जाओ। बड़ी जल्दी अकल आ गई। गेर में गोबर बिठाया करना पड़ेगा, वो भी मैं डाया होंगे। पिताजी आज से आप जो कहोगे ना हम वो करेंगे, पर हमें माफ कर दो प्लीज। हाँ पिताजी जैसा आप कहोगे ऐसा करेंगे, मैं तो आपके सुबह शाम पैर भी दबाऊंगी। अच्छा अब तो ना करोगी न्यारा होने की बात? ना पिताजी, ना पिताजी आगे से कभी ना करें। राज बेटा, आर्यन बेटा माफ कर दो इन्हें। ठीक है पिताजी, तुम कह रहे हो तो माफ कर दिया, लेकिन आगे तो ऐसी गलती होगी ना, अब की तो कुछ नहीं करा, अगली बार इससे भी ज्यादा तोड़ेंगे। ना जी आगे से ना करें, माफ कर दो। और तू भी सुन ले, कोई शिकायत आगी ना तो छोड़ देंगे ना? नहीं आने की जी। अब तो खुश हो पिताजी? पिताजी अब तो कोई दिक्कत ना? हाँ अब ठीक है। अब एक काम करियो, मेरे लत्ते धुआ दियो और परेस करवा दियो। ठीक है पिताजी, लत्ते तो मैं धो दूंगी और पिताजी परेस मैं कर दूंगी। हाँ तड़के मुझे जागस भी जाना। जागस? हाँ। अच्छा पिताजी दावत नहीं भूल ले? अरे दावत कैसे भूल जाऊंगा, यूं तो मुझे चौधरी कह दें। और पिताजी मुझे साहब की बेटी कह दें। अच्छा बनाऊं तो ना साहब की बेटी। पता नहीं कोई है ही नहीं घर में। ओम हरिओम। आते रहेंगे जब आएंगे? जा रहे होंगे कहीं, मैं तो लेट लगाऊं इतना है, थक भी गए इतनी गर्मी में। अरे पापा। अरे बेटा। नमस्ते। नमस्ते, आप कब आए? अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले, आवाज लगा रहा था, किसी ने सुनी नहीं आवाज। अच्छा अन्नु, अन्नु देखो कौन आया है। आई दीदी। पापा। अरे बेटा अन्नू, और तू ठीक है? हाँ पापा जी मैं तो ठीक हूँ। आ जा इधर बैठ। आ जा बैठ। और सुनाओ
तुम दोनों खुश तो हो ना? हाँ जी पापा, हम खुश हैं। अच्छा। हाँ पापा, हम तो बहुत खुश हैं यहाँ पे। अरे बेटा, हमारे रंगा बिल्ला कहाँ हैं? पिताजी, वो लोग तो खेत पे गए हैं, आने वाले हैं। अच्छा, खेती ठीक ठाक कर रहे हैं ना? हाँ हाँ पिताजी, सही कर रहे हैं। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और खेती बाड़ी ठीक ठाक चल रही है थारी? हाँ पापा, बढ़िया चल रही है, टॉप की। पर कई महीनों से सोच रहा था कि तुमसे मिल लूं हैं, बस ऐसा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब आप आ गए ना, आपने आके बहुत अच्छा किया। अब ये बात बताओ, हाँ? कि अब शाम हो रही है, अब तो आप जाओगे नहीं? कल सुबह 8 वाली से निकलना, वरना फिर दोपहर हो जाएगी, बहुत गर्मी रहती है, बीमार हो जाओगे तुम। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, इतने दिन बाद तो मैं वैसा आया हूँ मिलने, और अभी अब सुबह की 8 वाली बस से निकल जाऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बेटा मैं तो कुछ दिन के लिए रुक के जाऊंगा, अब आराम करूंगा कुछ दिन के लिए यहीं। अच्छा पापा, चलो कोई बात नहीं, वैसे एक आध जोड़े कपड़े तो लाए होंगे तुम। अरे बेटा कपड़ों की क्या जरूरत है, मुझे तो रुकना ही खाली 2-3 महीने के लिए है। 2-3 महीने? अरे बेटा इसमें चौंकने की कौन सी बात है, हैं? अरे 2-3 महीने रुकने में सारा ही आया हूँ। हाँ अगर ज्यादा मेरा मूड बना रुकने का तो अन्नू की मम्मी अपनी बड़ी बहन के वहां गई है, उसे कपड़े लेकर बुला लूंगा मैं, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं पापा, जब तक तुम्हारा मन करे रहो, तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है पापा, आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। अरे बेटा कैसी बात कर रही है तू, तुझे पता है तेरे पापा को चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा कर घर में लोनी घी तो रखा होएगा। हाँ पापा है। ये हुई ना बात, 10 एक पानी के हाथ की रोटी। 10? हाँ बस ज्यादा अब खुराक ना रह रही है इतनी, पहले तो खा ले कर रहा मैं, अब तो 10-12 लास्ट है। और 250 ग्राम लोनी घी एक कटोरी में। 250 ग्राम? हाँ अब आधी किलो ने खा जाता बेटा। अच्छा। अब तुझे पता है बढ़ती उम्र है, और अचार तो रखा होगा आम का घर में? नहीं पापा, अचार खत्म हो गया। अचार खत्म हो गया, मेरे आने से पहले खत्म कर दिया? हाँ खत्म हो गया वो। चलो पड़ोसी के से मांग लियो, तुम्हें तो आदत मैंने पहले से गेरी रखे है, सारी माँ तो चोरी तक कर ले, मैं तो फिर भी तुम अचार मंगवाने को कह रहा हूँ, कोई बात ना। चलो तुम इस काम को करो, और बेटा तुम अब खेत में किस टाइम जाओगे? सुबह ही जाएंगे पापा। तो हाँ वैसे भी शाम हो रही है, शाम को बैठो बैठो, तुम अंदर जाओ जल्दी बढ़ाओ। और बेटा दारू वारू छोड़ दिया, चल रही है अभी? ना पापा, हमने तो छोड़ दी बिल्कुल। बिल्कुल छोड़ दी? हाँ। अरे कुछ दिन और पकड़े रहते, वो तो बेबोलती चीज है, कभी पकड़ लो कभी छोड़ दो। अब पापा मन ना करता। मन ना करता? हाँ। चलो आज सांझ को मेरे साथ मार लियो 2-2 पैक, एक हाफ पकड़ लियो 8 PM का, इंग्लिश का तो है ना ठेका यहाँ? हमारे यहाँ 8 PM ना मिलती। और वो भी ना रसीली। ये रसीली मैंने पहली बार सुनी है भाई। कोई बात ना, आज पिया देंगे तुम्हें। हाँ फिर तो बोतल ही पकड़ लियो, क्योंकि तुम्हें 2-2 घूंट मारनी पड़ेगी, ठीक है? ना ना पापा, हम थारे नाम का ही लिया। तुम ना पियो? ना। अरे मान जाओ कदी कदी तो पी लग रहो मेरे साथ, अब तो वैसे भी मैं 2-3 महीने रहूंगा, अब तो आदत डालनी पड़ेगी तुम्हें पीने की। फिलहाल आदत डालनी पड़ेगी? हाँ। अरे पापा कह रहे ना 1-2 पैक ले लेंगे, कहाँ पता चल रहा? अरे चुप हो जा, कुल 2-3 महीने को आए, डेली डेली को पियान लगे हमारी तो एस्तेजी हो जाएगी। सही कह रहा आपने। हाँ बेटे के खुसर खुसर से करने लगे तब। ना ना पापा कुछ ना कह रहे, इसमें घबराने जैसी कोई बात ना है, वो तो मेरी हिम्मत समझो, मैं रुकना हूँ 2-3 महीने के लिए, अन्नी किसके द्वारा 1 घंटे का भी टाइम नहीं रखा। हाँ हाँ पापा वाकई में तुम्हारी हिम्मत है, वरना आजकल कहाँ किसको टाइम कि किसी के दौरे जाओ। पापा ये तो थारा बहुत बड़ा एहसान है कि तुम यहाँ रुक रहे, अन्य टाइम किसके पास है आजकल। अरे बेटा इसमें एहसान की कौन सी बात है, ये तो मेरा फर्ज है अपने बच्चों का ख्याल रखना। हाँ हाँ पापा कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे मारा तुम। चलो ठीक है अब तुम बैठो, हम चले। अच्छा उस ध्यान कर लिया, और चखने में क्या लाओगे भाई?
क्या खाओ तुम? बस ज्यादा कुछ ना, 250 ग्राम बादाम की गिरी ले लियो, उन्हें तलवा लियो घी गिरी, और 100 ग्राम काजू ले लियो, क्योंकि ज्यादा महंगी नमकीन लाने में तो फायदा है नहीं, ड्राई फ्रूट ड्राई फ्रूट लाने में कोई फायदा नहीं, बस ये 250 ग्राम बादाम गिरी, 100 ग्राम काजू, इन्हें तलवा लो। ना ना पापा, हमारे यहाँ ये सब चीज मिलती ना, हम 5 वाला एक नमकीन का पाउच ले आवेंगे। 5 वाला नमकीन का पैकेट? अरे ये तो मैं भिखारियों को भी नहीं देता, तो मेरे लिए 5 रुपए का नमकीन का पैकेट कह रहे हो यार? घर में खीरे पीरे बहुत सारा सामान रखा है, वही कटवा वटवा के एक नंबर चीज बनवा के थारे नाम का लाओगे, टेंशन ना लो। नहीं भाई, हम चलें। स्टार्टिंग अच्छी नहीं हो रही, बादाम की गिरी काजू से स्टार्टिंग हुई, कल को फिर बताऊंगा मुझे तुम्हें लाना क्या है। कल को भी बताओगे? ठीक, आते चल भाई, देखेंगे यार, जाओ जल्दी आइयो। ठीक है। ले भाई, अब दामाद के घर है सुबारा के, साल भर कम से कम 2-3 महीने का तो मैंने बहाना ही करा, फिर कुछ बहाना भर दूं 2-3 महीने बाद। भाई क्या आप बता दी, यो तो खूड बिकवाने के बाद ही जागा यार। भाई यार, हमारे पे तो आज के खर्चा ने झेले जाने का, तू 3 महीने की कह रहा, क्यों कह रहा कल भी बादाम लाइयो, हमने ना खाए यार अब लू बादाम, इसे कहाँ तक खवा गए? तुम्हें बता चकने में वो ना क्या धर्मपाल, वो तो नमक भी चाट ले, इसके लिए ड्राई फ्रूट कहाँ से लाएंगे हम? चल कोई बात नहीं, आज आज का तो कर देंगे, बाकी से टरकाने की सोच जल्दी सी, अन्नी तो हमारे घर का घेर बना देगा भाई। हाँ चल। आर्यन, अरे कौन है भाई, अंदर आ जाओ। आर्यन ने जी ना, क्या बात थी बता? 1000 रुपए लिए थे। अच्छा, देना था। तूने 1000 रुपए आर्यन से लिए? अच्छा फिर देने थे वे। देने थे, ला मुझे दे, पहुंच जाएंगे आर्यन पे, ये रुक जा एक मिनट, रुक देख लू पहले, चेक कर लू। 80 नकली है? हाँ यू तो ठीक है, हाँ यू भी ठीक है, अब तू जा, मैं दे दूंगा आर्यन को। ठीक है, निकल जा तू। जय श्री राधे, कमाई भी शुरू। पापा? हाँ बेटा। कोई आया था क्या? हाँ आया था एक, वह कह रहा 1000 रुपए आर्यन ने उधार दिए। अच्छा। वो देने आया हूँ, वो दे के गया, ये लाओ तू दो। नहीं बेटा, ऐसी कैसी बात कर रही है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही, मेरे पे पैसे खत्म हो रहे थे पता ना। अच्छा ठीक है, रख लो। हाँ रख लिए, बनाओ जाओ खाना बनाओ। हाँ बना रही हूँ आपकी 10 रोटी। 10 नहीं बेटा, 12 15 बना दूंगे। हाँ ठीक है, देसी घी में सेक है कभी, उसमें डालडे बाल्टे में सेक दे। नहीं नहीं, देसी घी में सेकूंगी। हाँ बड़ी शैतान है दोनों, बचपन से शैतान थी ये, मैंने भी ऐसे घर में बिहाई है। हाँ हाँ भाई, यार क्या क्या हो रहा है हमारे देश में, देखियो पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए फिर गए। हाँ ये तो है यार। अरे थारे कौन सा गड़ रखी है जो तुम्हें पेट्रोल की फिक्र हो रही है? अरे नाना फिर भी पापा, साइकिल तो थारे घर में है नहीं, मैंने दहेज में तो मैं दिया ही क्या था। हाँ नो भी ठीक कह रहे तुम, लेने की सोच रहे हैं स्कूटी। अच्छा स्कूटी। हाँ। इसलिए पेट्रोल की फिक्र पहला कर रहे हो? हाँ पापा करनी पड़े, ले लो स्कूटी, 10-15 दिन को मैं भी घूम जाऊंगा कहीं। ना ना पापा अभी ना ले रहे, 3-4 महीने बाद लेंगे। तो कोई बात ना, मैं कौन सा 3-4 महीने यहाँ से जा रहा हूँ, मैं भी बाद में ही घूम जाऊंगा। हाँ हाँ पिताजी ठीक है, घूम लियो। अरे राज भाई, माहौल तो यार बहुत ही खराब हो गया। क्या खराब हो गया? देखो क्या क्या खबर छप रही है आजकल। पढ़ क्या सुना? कहा धरती फट गई कहीं? ना जी ना, ससुर जी आए 4-5 महीने के लिए दामाद के घर, परेशान होकर दामाद ने करी ससुर की हत्या। हत्या? बहुत बुरा माहौल हो गया है जी आजकल का। मैं भी तो देखूं खबर आकाश से रही है, ये थारे से तो फास्ट है मेरे मोबाइल में। अच्छा लो जी पढ़ लो, लो ताजी खबर है, ससुर ने
ओहो, कितनी बुरी खबर है बताते भी शर्म आ रही है। क्या हो गया पिताजी? ससुर ने दारू पीकर की दामाद की हत्या। देखो क्या बुरा जमाना आगा। थू थू थू, कैसे दामाद होएंगे यार, कैसा ससुर होएगा वो, मुझे तो शर्म आ रही है बताते भी। अरे पापा, ये खबर वबर तो चलती रहे, छोड़ो। वैसे तुम्हारा दारू का टाइम हो गया, ले आओ। अरे भाई टाइम हो रहा है, जल्दी से पकड़ लाओ, ठीक है। और हाँ, आज एक काम करियो, उंगे सी होटल पे थोड़ा जीरा पनीर बनवा लियो, ठीक है, और सलाद भी मस्ती लियो, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है पिताजी। भाई चल ले, चलना ही पड़ेगा भाई। और हाँ एक काम करियो, रास्ते में कोई अंडे वाला मिले ना, 10 अंडे और पकड़ लियो। ठीक है ले आएंगे। जाओ, क्योंकि डेली डेली एक जैसा खाना ठीक नहीं है, डेली चेंज करके खाओ। चल भाई। शरीर स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ, और सामने वाला तुरंत ध्वस्त। पागल मान रहे, खबर बता रहे खबर। थारे से 4 चंदा आगे हूं मैं। क्या करें भाई, ऐसे तुम बर्बाद हो जाएंगे। इस बुड्ढे को तो घर से निकालना भारी हो गया। अभी सोचन दे मुझे कुछ। हाँ हाँ सोच ले सोच ले, इतने तो सोचेगा इतने हमारा नाश हो लेगा। मेरे पास एक आइडिया है। बस रख तू अपने आइडिया को अपने दौरे, अभी खबर वाला आइडिया भी तेरे ही था, तू तो हमें मरवा देगा। और अरे उससे बेहतरीन आइडिया है, सुन तो एक बार। बता। हाँ ये ठीक रहेगा भाई, बहुत बढ़िया, ये सोचा ना तूने आइडिया, बढ़िया। चल फिर चल। तांजी, अनु, अरे कहां मर गई दोनों? जी पापा आई। जल्दी आओ। आ जाओ। हाँ पापा क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा लोनी घी सेद का दिख है यू। और खा लो घी 250 ग्राम। रोटी भी तो पूरी 15 ही चाहिए, खा लो 15 रोटी। अरे मैं थारी बकवास ना सुन रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुनो, आयर ने कुछ पैसे दिए तुझे? हाँ दिए तो है, आपको कैसे पता? मैं सारी खैर खबर रखू हूँ, इस घर में रहूँ तो, समझी। अब एक काम कर, जितने भी पैसे सारे मुझे ला के दे दे, मैं डॉक्टर के जाऊँ हूँ और अपना थोड़ा इलाज करवाऊँ। और सांझ को एक काम करिए, आज से ज्यादा ना 1.25 किलो दूध में हल्दी लगा देकर बस, घी भी बंद करो अभी थोड़े दिन। पापा भैंस दूध नहीं दे रही। अरे तो पड़ोसियों के मांगो, मैंने तो ना आदत गे रखे मांगने की पहले से ही। पापा पड़ोसियों ने तो अपनी भैंस ही बेच दी। पड़ोसियों ने तो बेच दी, गांव थोड़ा बड़ा पड़ा है,
अरे फटे पुराने से कपड़े पहनो, डोली हाथ में लटकाओ और मांगो पाइया पाइया। ये हम नहीं कर सकते, ये आप ही कर सकते हो। हमारे से नहीं होगा ऐसे काम, आप ही कर लेना। अच्छा अब तुमने छोड़ दिया काम, न्यू ब्याह करा मैंने तब ऐसे घर में। अरे मैंने इसलिए तो ऐसे टूटे फूटे घर में ब्याह ही कि अगर वे भी कुछ कर ना पाओगे तो मांग के तो खा लोगी। पर तुमने तो धंधा ही बंद कर दिया सारा। हे भगवान, जो कैसा बाप है हमारा, सारी पोल आज ही खोल देगा। पापा धीरे से बोलो, कोई सुन लेगा। अब एक काम कर, वे जो पैसे दिए किए उसने, वे पैसे दे मुझे जल्दी। अच्छा डॉक्टर के जाऊं मैं जल्दी। लो पैसे, लेकिन अपना मुंह बंद रखो। यहाँ कोई सुन थोड़ी रहा है, दामाद थोड़ी खड़े हैं यहाँ जो उनके आगे कह रहा हूँ मैं। दीवारों के भी कान होते हैं। कंगे कान? मुझे तो ना दिख रहे किसी दीवार के कान। जय हो लक्ष्मी माता, मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं ना डॉक्टर के जाता। आराम सा होगा अब तो वैसे ही। मुझे तो पहले ही सकता तेरे आइडिया पे। गए अब पैसे भी हमारे। अब मुझे क्या पता था ये आइडिया फेल हो जाएगा। और ये देख, ये देख हमारी बहू, ये भी बहुत तेज है, ऐसे ऐसे काम करा करती है, तभी तो ये बुड्ढा आया है। नुकरी लिपस्टिक लाऊंगी, 2000 रुपए दे दे, अपनी कर ले पैसे, अजान दे बताऊंगा ऐसे तो। तेरे बस की कुछ ना है, देख लिया मैंने तेरा आइडिया वाइडिया, अब तो मुझे ही अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, मैं ही निकालूंगा इसे। चल तू अंदर। पता नहीं भाई कैसी लड़की है ये मेरी, हैं? कितनी तवज्जो के साथ बचपन में ने मांगना खाना सिखाया मैंने, सारे हुनर सिखाए, जेब काटनी तक सिखाई, हैं? और ये मेरी सेवा नहीं कर रही, मेरी फिकर नहीं है जरा से भी। आवाज लगाऊं तो बोलती नहीं है, देखता हूं दोबारा आवाज लगा के। हितांशी अन्नू आए पापा। अब क्या तो सुन ली भाई, जल्दी आओ बाहर को। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्ला ना रहा हूं, मेरी आवाज ही ऐसी है। बोलो क्या काम है? एक काम करो, आर्यन को बुलाओ, ठीक है, मुझे शहर छोड़ का होगा। क्या? पापा चल दिए, पापा चल दिए, पापा चल दिए, पापा चल दिए। अबे चुप करो, पहले बुलाओ जल्दी से। पापा चल दिए, पापा चल दिए। क्या करें राज भाई, कैसे जाएंगे पिताजी? आर्यन जल्दी आओ, पापा जा रहे हैं। पापा, पापा जा रहे हैं। पापा जा रहे हैं। अरे जल्दी आओ। क्या? पापा जा रहे हैं? पापा जल्दी चलो, जल्दी 8 वाली बस छूट जाएगी, फिर तुम्हें पता दूध का टाइम हो जाएगा। राज, राज भाई। हाँ। अरे वो बराबर वालों के तो बाइक मांग के ला जल्दी से। हाँ। मजा आ गया। अभी लाया 5 मिनट में। पापा आप मुझे पहले बताते तो मैं आपकी शर्ट धो देती और रास्ते के लिए खाना भी पैक कर देती। अच्छा। और पापा आप मुझे बताए थे ना तो मैं आपके लिए 5 किलो उन्होंने घी रख देती, कम से कम खा तो लेते। अरे कोई बात नहीं पापा, तुम बस तक चलो, मैं भी सब कुछ पैक करवा के लेके आता हूँ, आओ। हाँ पापा। अच्छा। जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है बेटा, घी थोड़ा ज्यादा कर दियो है। ठीक है पापा, 10 किलो भिजवा देंगे, जल्दी चलो। हाँ चलो। बेटा ध्यान से सुन लो पहले। हाँ। ऐसा करिए, तू तो घी तैयार रख। ठीक है पापा। और तुझे कपड़े धोने हैं ना मेरे? हाँ पापा। तू शाम को धो लियो और खाना भी तैयार रखियो। क्यों पापा, आप तो जा रही हूँ ना। चलो चलो। बेटा यही तो सस्पेंस है, मैं कहीं दूर ना जा रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी बस अड्डे पे आए बैठी है शहर में, उसे लेने आ रहा हूँ। क्या? बेटा कैसे बुखार सा आ गया, खड़ा हो, तेरी मम्मी आ रही है, उसे लेकर आएंगे, कितनी खुश होगी मेरा दामाद, हैं? चल।